ओके ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ 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 Look at my plants. कितने दिन हो गए कि plants नहीं दिखाए मैंने आपको. And अवला बेचारा मर गया, इसको मैंने revive करने की कोशिश की. मैंने लगता नहीं ये ज़िंदगी तक आ पहुँचेगा, पर अवला भी बिल्कुल इसी के जैसा था, मर गया था बिल्कुल. पर इनू मैं कर लिया वे, हम नवे बेबी भी आंदे पे और बहुत सारे नए लीव भी आ रहे हैं. प्लांट था मेरे पास 2015 में लिया था मैंने, 7 साल हो गए इसको, तो ये पूरी तरह मर रहा था. ओके जब तो मैंने देखा कि ये प्लांट बिल्कुल मर रहा है, तो मैंने इसको सारा लेके गई बाहर आउटडोर गार्डन में, सारे को उल्टा दिया मैंने, सारी मिट्टी निकाल ली और बहुत सारी जड़ें ख़त्म थी. इतने साल प्लांट्स की उम्र भी नहीं होती है ना, तो फिर वो सारी जड़ों को काट दिया मैंने. जब आप जड़ों को काट देते हैं तो प्लांट और ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है, उसको और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जीने की. सो फिर मैंने इसकी मिट्टी चेंज की और इसमें मैंने एक मेरे पास फर्टिलाइज़र है जो कि वॉर्म्स का है एंड वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है. सो वो डाला इसमें मैंने. मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि ये जी पाए, पर ये जी गया है और इसने पत्ते निकाल लिए हैं और अच्छा ये मुझे लगता है फिर से ये भर जाएगा. और इसी का साथ ही एक और है मेरे पास, वो बहुत पुराना था, 4-5 साल पुराना होगा. वो मर गया, वो देखो कुछ भी ग्रीन नहीं है, सारा कुछ ब्राउन हो गया, वो बस मर गया, अब वो नहीं जिएगा. एक और मेरा प्लांट है कलेथिया, वो भी बुरी तरह मर चुका था, उसे भी मैंने ऐसे रिवाइव किया और अब इतने ज़्यादा उसमें पत्ते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि एक दिन कम्प्लीटली डेड सी. सो जब आपके प्लांट मर रहे हैं ना, तब भी उनको एक और चांस दें, कहने ना चांस देना चाहिए था, एक और चांस दें, ऐसे फेंक मत दें, उसकी सॉइल चेंज कर दें, जड़ों को थोड़ा एयरेट करें, चॉपिंग स्टिक जैसी घुसा के शेक से कर दें प्लांट्स में कि हवा अंदर तक जा पाए, थोड़ा सा शेक करें उनको लाइक जिदा वो नहीं कर दें एंड च बहुत दिंदे होंगे शौक जे प्लांट नू एंड वाली सारी चीज़ें दें कि शायद वो जिंदा रह जाए. और मेरे साथ कई सारे प्लांट्स को ऐसा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए उसके बाद. आखिरी ट्रीटमेंट जड़ा हस्पताल में आखिरी बार मिलता है ना, वेंटिलेटर से रख दिया वो, उदा का ट्रीटमेंट दें इनको, बच जाते हैं कई प्लांट्स. यू वांट टू ऐड समथिंग अप फॉर माय प्लांट्स. यूएस कहता है कि जिन्हां दे मिक्स वैक्सीन्स लगियां वो आ नहीं पाउंगे. हाँ बट जिन्हां दे मिक्स फाइजर एंड वो है ना, उन्होंने कॉम्बिनेशन भी देते हैं अवले मिक्स. एस्ट्राजेनिका नु नहीं वो. हां एस्ट्राजेनिका नु नहीं करन दे, अब मॉडर्ना दे मिक्स अप में करन दे. यस मैं भी खबर रख दिया दुनिया दी ना वकेशन तो आया तू कहनी है कि जदा पर किद्दा किद्दा तो क्या कि अमेरिका कहंदा अपनी घर वाली नु ना लेके आ. 8-9 महीने हो गए वकेशन ही मनाने पे प्यारिया मैक्सिको दी गलियां च जाके जेड़ा. ओके दोस्तों मैं और हस्बैंड चाय पीने वाले हैं. मैंने ना हस्बैंड के लिए कोई मिली नहीं कप, तो मैंने उसको उनको उसमें दे दिया है वाली ग्लासी जे मद्रासी. वैसे भी मलाई मलाई करते रहते हैं चाय. सो पार्क में पहुंच गए. पार्क का व्यू कुछ इस तरह का है. यहाँ पे हमें वॉक करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब ये पहाड़ी पे जो पेड़ है उनका रंग भी चेंज हो रहा है और खूबसूरत. लेट्स गो क्लोज एंड ए बंदा लिटरली खूबसूरत नॉट टू मच. What do you want for dinner, honey? Nothing, my son.
Oh, you want pizza? Okay. Got pizza. Okay, so पार्क में हिम्मत ने थोड़ा सा प्ले किया है और अब हम लोग आ गए हैं ये रैंडम, एक्चुअली ये क्रिकेट ग्राउंड है. हिम्मत एंड हस्बैंड रन कर रहे हैं यहाँ पे एंड थोड़ा थोड़ा ठंडा हवा चलनी शुरू. आज मैंने और हिम्मत ने एक वीडियो शूट की है जिसमें हम दोनों ने रिएक्शन रिकॉर्ड की है. डिनर हमारा ऑलरेडी हो चुका है, कल हस्बैंड ने चिकन करी बनाई थी, उसके साथ हमने आज रोटी खाई है एंड कुछ हल्का फुल्का फ्रूट्स या पॉपकॉर्न ही खा लेंगे. मेरे पीछे भागते हुए ये दो अजनबी कोई और नहीं, मेरे हस्बैंड एंड मेरा बच्चा ही है. ओके दोस्तों, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है जिसमें मैंने ना अभी सर्च किया है गूगल पे, उस पर क्वेश्चन आंसर से हम हस्बैंड को रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर पूछेंगे और उनको देंगे अराउंड 10 सेकेंड आंसर देने के लिए कि कोई कैसे उनके पास कौन सा आंसर आता है. क्वेश्चन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कोशिश करेंगे कि 10 करें, वैसे वहाँ पर 50 क्वेश्चन है. डैडी, I am gonna ask you rapid fire questions और जो quickest answer देना वे 10 second चे. मैं तो rapid fire running करना आया तू को. Are you ready? Yeah. Okay, तो नो, अपने high school में सबसे funniest subject कौन सा लगता था? Funniest. Sanskrit. Okay. Okay, तो किधर नाल closer relationship चाहने हैं, मैंना या हिम्मत ना? Both. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਉਰੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ. ਆਲ ਬੀ ਹੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ. ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ? ਨਾ. ਮਾਈ ਗੋਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਬਲ. ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਯੂ ਗੋਣਾ ਬੀ ਔਨ ਅ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਵਰ, ਵਿਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਯੂ ਪ੍ਰੈਫਰ? ਮੈਨਸ ਫਿਟਨੈਸ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਪੇਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਪੇ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ. ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਵਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ. ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੂੰਗਾ. ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਬੀਆ ਹੈਗਾ? ਫੋਬੀਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਆ. ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਾ ਫੋਬੀਆ ਥਾ, ਉਨਕੋ ਡ੍ਰੀਮ ਮੇ ਵੀ ਆ ਜਾਤਾ ਥਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵੋ ਕਮ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਨਾ. ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डू यू थिंक यू आर हार्ड ऑन योर सेल्फ? तो आपने अपने बहुत पुश कर दिया, लाइक लिमिट्स तो बाहर. ना, इज टू रिलैक्स. ओके, जो तू घर दे विच कल्ले होवो, तू ही बाथरूम नु यूज करना, तू बाथरूम का दरवाजा बंद करोगे, तू तो घर च बंदे नु काम ही नहीं करदे. तुसी ना इस टाइम ते कुछ भी अफोर्ड कर सकदे, एक चीज केड़ी खरीदना चाहोगे? मैं इत्थे घर ले लूं एक होर पाड़ी ते. ओके, तुसी अपनी जिंदगी च पांच ऐदा दी चीजा दसो जिन्हां लई ग्रेटफुल हो. अगर आप कैलेंडर से पूरे 12 महीने में से एक कोई महीना एलिमिनेट करना चाहें तो कौन सा करेंगे? Being living in Canada, फिर तो मैं जनवरी या फरवरी कर दूंगा, ठंड बहुत. मैं भी सेम ही कहना है. कभी कुछ जीता जिंदगी से? बस यहां आते ही. हैव यू वन एनीथिंग एनीवेयर? जीतन नहीं खेले नहीं. थोड़ा आइडियल डे की होगा? तू कहोगे ओ माय गॉड, डे वेल स्पेंट. लाइक आई नीड सन. सन? Your son or a real son? Nahi, dono son. Okay. Good food? Yeah, good food of course. Outdoors? Kitte paani de nere baithe hoye. Okay, tusi agar jo ajkal toda career aa realtor, agar tusi realtor na hoge to what you gonna hor ki banna chahoge, jo really your passion? I know that answer. Okay, to ye realtor nahi aa, toda koi hor career option aa, ki banna chahoge? Kitte vadhiya ya restaurant chalaunda hunda. Yeah, I knew it. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸਟਿੰਗ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਲਾਈਕ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਯਕੀ? ਆ ਵੇਖ, ਆ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਚਿਮਗਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾਤੀ. ਆਈ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੋਸ ਥਿੰਗ. ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਜੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ? ਪੈਸਾ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਮਮ ਦੇ ਪਰਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ. ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਏ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਹੁਣ? ਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਸੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ. ਓ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਓਲੰਪਿਕ ਮੇ ਕੋਈ ਜੀਤਾ ਥਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਚ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ. ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਨ ਦ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ. ਯਾ, ਯੈਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਆ ਉਹ. ਯਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਰਥ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀ, ਨੀਅਰ ਸਹਾਰਾ ਸਮਝੇ. ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਜੌਬ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਨਸਰ.
ਵਸਿਓ ਨਹੀਂ ਵਸਿਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਲਡਿੰਗ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੌਬਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਵਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪੋਸੀਬਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਮੇਕ ਐਂਡ ਟੇਕ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਓ ਯਾ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਇਕ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਲੀਵ ਅਸ सो इसी तरह हमारा प्यारा रैपिड फायर डन हो चुका है आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा बड़ा मज़ा आया पति को आपको जानने का मौका मिला सो अब आपको मिलेंगे हम अगले सीन में ब्रेक के बाद बाय सो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे पास नेक्स्ट कैंडिडेट है हिम्मत अब हिम्मत आई एम गोना टेल यू द रूल्स रूल्स आर यू हैव टू आंसर क्विकली इन 10 सेकेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ योर स्टफ्ड एनिमल कुड टॉक व्हाट वुड दे से They will say, I love you, Himmat, so much. Oh, perfect. Okay, how it feels when I hug you? Like your mommy hugs you? I feel like in heaven. Ah, that's very nice. Okay, if you are outside all day, what you gonna like to do? I would like to play in nature. Ah, what makes the best fort in what, home? Cooking pillows and make a big pillow, put a and blankie. Okay, who is your favorite TV character? My TV character is Gumball. Oh, okay. Pretend if you have a pet dragon, what you gonna call him? His name? I'm gonna call him Coco. Okay, what you like to do with your mommy? I like to play with her and hug and pooch her. Okay, if animals can drive a car, which animal can be a best driver? Tiger! Yeah! But he is very aggressive. One thing good about your daddy and one bad. The bad one is daddy's too lazy. Good one? Good one, daddy helps you sometimes. Oh. Okay, you want to ride a horse or an elephant? I would do an elephant because elephant shoot water on the nose and I can do nai-nai. Okay, you want to be a superhero or a wizard? I will be a superhero who flies. Okay, you want to be a fast swimmer or a fast runner? Fast runner, then I could be daddy with running challenge. Aww. And I could be... What makes you feel like dancing? I will choose Vajma, Vaz and Kiki. I love you, Kiki. Guys, Kiki is his favorite stuffy. Okay. If you found a genie, what you gonna wish for? What is a genie? Genie can give you anything you wish for. I wish to fly. I wanna fly in my life. Okay. And I wish I have like night vision, meaning I can look at the night and it's dark. And make my mommy really healthy and make my daddy better than he's not lazy. What's your favorite method of laughing? Can you laugh for us? Oh, look at that! That's so fake. Who made you smile today? Who is that? You. Mommy? Mm-hmm. Okay, did you went to school today? No. Why? Because I have vaccine all today, so yeah. Would you be angry if somebody stole your candy? I will say it's yours. Okay, that's nice. Very nice, Himmat. I'm so proud of you. More. It was lovely meeting you, sir. Thank you very much. Leave us alone now. Okay, guys, so ये था rapid fire husband and Himmat के साथ. I hope आपने enjoy किया होगा. और हमने काफ़ी ज़्यादा समय इस पार्क में स्पेंड कर लिया. अब हम घर जा रहे हैं. घर जाके मुझे वीडियो एडिट करनी है. होपफुली मैं आपको मिलूँगी. ओके दोस्तों, घर पहुँच चुके हैं. हिम्मत खा रहा है स्नैक्स एंड समय हुआ है 6:30 और मैं एडिट करने वाली हूँ. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वीडियो एडिट करूँ. मैंने और हिम्मत ने बीन बूजल चैलेंज रिकॉर्ड किया था, जो मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय से करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी क्योंकि साथी नहीं था कोई और अकेले को मज़ा नहीं आता. दो बंदे हों तो ज़्यादा मज़ा आता है ना. सो वो किया है मैंने और हिम्मत ने अदर डे. आई होप यू गाइस गोना एंजॉय दैट वीडियो. अगर आपने वो वीडियो ऑलरेडी मेरे ख्याल से देख ली होगी क्योंकि ये वीडियो बाद में जाएगी. मुझे पता नहीं मैंने आपके साथ शेयर किया है या नहीं, पर अदर डे अमेज़ॉन प्राइम पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जो हमेशा मेरे सामने आती रहती थी पर मैं देख नहीं रही थी. मैंने लगा कि यार
पता नहीं इंटरेस्टिंग होगी या नहीं. वो थी बिकेज वी आर गर्ल्स एंड उस डॉक्यूमेंट्री ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा असर छोड़ा. अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर से देखना. वो तीन बहनों की स्टोरी है जो ब्रिटिश कोलंबिया में रहती हैं एंड कैसे उनके कज़न ने उन्हें असॉल्ट किया बहुत सालों तक और उन्होंने वो बात छुपा के रखी पर वो कितनी बुरी तरह ट्रॉमाटाइज थी. और जब वो बाहर आई और बाहर मतलब व्हेन दे केम आउट इन पब्लिक एंड तो कितना मुश्किल हुआ उनके लिए. और उस डॉक्यूमेंट्री में एक हिस्सा है जिसमें वो अपने डैड के साथ बात कर रही है कि डैड मेरे साथ आईज़ में आईज़ डाल के नहीं देखते हैं जैसे मैंने कुछ गलत किया है. मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया पर उसके डैड के पास कोई आंसर्स ही नहीं देने के लिए. पंजाबी डैड है और वो वैसी ही बातें कह रहा है कि जो हर कोई पेरेंट कहेगा. क्योंकि बहुत बार हमारे समाज में ऐसा होता है कि जब कोई गर्ल अपने घर में है वो अपने घर में भी सेफ नहीं है. उसके साथ घर में भी गलत हो सकता है. वैसे तो उसके पेरेंट्स उसको हमेशा कहते हैं कि बाहर इससे बात ना करो आना करो आना करो पर घर में कैसे सेफ रखेंगे. कज़न से रिश्तेदारों से चाचा मामा कैसे सेफ रखेंगे. और जब ऐसा कुछ गलत हो जाता है तो वो चाहते हैं कि चीज़ों को दबा के रखें बाहर नहीं आए. पर उसके साथ उन लोगों के पर कितना बुरा असर पड़ता है. और जिस बंदे ने गलत किया है उसको भी एक तरह का आप अप्रूवल दे देते हैं कि तुमने ऐसे कुछ किया इट्स ओके मुझे चलता है. जब तक आप आवाज़ नहीं उठाते हैं और बताते नहीं हैं कि तू बहुत गलत किया है आज तो बात ये नहीं हो सकता या फिर कोई लीगल एक्शन नहीं लेते हैं तो आप भी उतने ही हिस्सेदार बन जाते हैं. वो वैसी स्टोरी है. उसको देख के मैं फुट फुट के रोना शुरू कर दिया मैंने. लाइक जैसे वो रो रही थी ना उससे बोला नहीं जा रहा था हाथ काँप रहे थे उसके. सो बहुत ही ज़्यादा बुरा कौड़ा सच है हमारे समाज का. पर मेरे हिसाब से हर एक पेरेंट को अपने बच्चों का पूरा साथ देना चाहिए क्योंकि जब बच्चों के साथ कोई असॉल्ट होता है तो बच्चों की कोई गलती नहीं होती है. उन्होंने थोड़ी कहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए. जब हो गया तो उन्होंने उसी रिस्पेक्ट वो कह रही मैं चाहती हूँ कि मेरा डैड मुझे वैसे ही रिस्पेक्ट के साथ देखे. सो या ज़रूर से देखना. उसका नाम है बिकेज वी आर गर्ल्स. मैं यहाँ पे एक पिक्चर शेयर करने वाली हूँ आपके साथ. मैं पहले भी बताना चाहती थी क्योंकि ये है रियलिटी है ये होता है पर सारे लोग चुप करके रहते हैं. पर उन लड़कियों ने सारी दुनिया को दसिया इस चीज़ की बिना परवाह किए कि रिजल्ट क्या आएंगे. अब उसके उनके पेरेंट्स भी उनके साथ हैं. वो लेडीज़ ओल्ड हो चुकी हैं लाइक 40s 50s में हैं. काफ़ी समय के बाद उन्होंने बताया पर बताया फाइनली बताया. अच्छी है वो ज़रूर देखना. थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत प्यारी वीडियोस बनाती हूँ मैं. अगर सब्सक्राइब करेंगे उससे मुझे बहुत हेल्प होती है. एंड मैं मिलूंगी जल्दी ही नए वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों यू गाइज़ अ ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. Easy peasy, lemon squeezy. Bye, love you.